नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ थोड़ा दिखाने, क्या है कि बहुत दिन से कफ और जो सर्दी है वो ठीक ही नहीं हो रही सही से। तो डॉक्टर के पास फिर से जा रहा हूँ चेकअप करवाने, और सोचा इस बार थोड़ा सा अच्छी दवाई ले लूँ, और देखते हैं डॉक्टर साहब चेकअप करके क्या बोलते हैं। रिपोर्ट रिपोर्ट करवाना पड़ता है या क्या है, जो भी है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। तो दोस्तों, ये दवाई ले लिया हूँ, ये देखिए। ये मैं 200 रुपये लेके आया था, लेकिन 450 रुपये लग गए दवाई मिला के। ये खांसी का सिर्फ ही 150 रुपये का। चलिए ठीक है, अभी दवाई खा के देखते हैं आराम लगता है कि नहीं। चलिए घर चलते हैं। तो दोस्तों, पास्ता रेडी है, और फटाफट पास्ता का नाश्ता करते हैं और फिर लगते हैं अपने काम पर। तो ये देखिए, ये निहाल कॉफ़ी लेके आया मेरे लिए। अब तो थोड़ी कॉफ़ी पियेंगे, हार्ड कॉफ़ी है। तो दोस्तों, ये 4 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, सुबह शाम के गोली खाने को, और ये दिया है सिरप पीने को। तबीयत ख़राब है, अब खानी पड़ेगी दवाई। और अभी स्क्रिप्टिंग किया हूँ, रिकॉर्डिंग करना बाकी है। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ और। दोस्तों, मम्मी कॉफ़ी बना के लाई है, बताना कैसी है। ठीक है। तो दोस्तों, ये दवाई है, शाम हो गई है, और ये एक एक गोली खाना है सब, ये देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी समस्या ये है कि दवाई गोली से मुझे मतलब अजीब सी हीक सी आती है, दवाई नहीं खपती, गोली तो खपती नहीं, लेकिन इंजेक्शन लग जाए तो ठीक है, इंजेक्शन लगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इसमें एक एक गोली खाना है, 4 गोली मैंने निकाल ली है, लेकिन क्या करें, अब खानी पड़ेगा, ही क्या चाहे कुछ भी है। इंजेक्शन लग जाता तो ठीक रहता है, लेकिन अब क्या करें, दवाई दी है तो कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा।